मूवी के स्टार्ट में हम एक सूखी हुई लेक को देखते हैं, जिसकी मिट्टी काली थी और उसके बीच में एक सूखा पेड़ था और उस लेक के आसपास जानवरों के स्केलेटन पड़े हुए थे, जो कि काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद हम एक फैमिली को न्यू घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। ये घर उस लेक से थोड़ा ही दूर था। उस फैमिली में जेस, उसकी बेटी टाइलर और बेटा ओवन था और उनके साथ एक डॉग भी था। ओवन और वो डॉग हमेशा एक साथ ही रहते थे। जेस और उसके हस्बैंड पैट्रिक में सेपरेशन हो चुकी थी, क्योंकि जेस पहले ड्रग एडिक्ट थी और इस वजह से वो अपनी फैमिली पर तवज्जा नहीं देती है, मगर अब उसे अपने बच्चों की कस्टडी मिल गई है और इसलिए उसने सब चीज छोड़ दी है ताकि वो अपने बच्चों का ठीक से ख्याल रख सके। इसके बाद हम ओवन को घर की छत पर खड़ा देखते हैं और वो खेल खेल में छत से जंप कर देता है। ये देखकर जेस काफी डर जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर वो बच्चों को लेकर घर के अंदर जाने लगती है, तभी हम वहाँ उसके डॉग को जंगल की तरफ देखते हुए देखते हैं। वो काफी सीरियस तरह से देख रहा था, जैसे उसे कुछ नजर आ रहा हो, मगर फिर वो लोग उसे भी अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। लेकिन डॉग रात में भी सबके सोने के बाद जंगल की तरफ ही देख रहा था। अगले दिन जेस बच्चों को उनके फादर के घर छोड़ने जाती है, क्योंकि बच्चे वीकेंड पर अपने फादर के घर जा सकते थे। अब जेस उन्हें छोड़कर अपनी जॉब पर आ जाती है। जेस नर्स थी और जेस एक पेशेंट से मिलने जाती है जिसका नाम हेलेन था। हेलेन इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, इसलिए वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, मगर जेस उसे समझाने की कोशिश करती है और लाइफ की इम्पोर्टेंस बताती है। दूसरी तरफ जेस के बच्चे घर वापस आ रहे थे और जंगल से होते हुए उस लेक के पास पहुंच जाते हैं। वो लेक काफी डरावनी लग रही थी, तो टाइलर ओवन को वहां से जाने का कहती है, मगर तभी उनका डॉग पेड़ की तरफ भागने लगता है, मगर वो मिट्टी में फंस जाता है, तो टाइलर और ओवन बहुत मुश्किल से उसे वहां से निकालते हैं। इसके बाद वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। जेस उन दोनों की हालत देखकर उन पर गुस्सा करती है। इसके बाद जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तब भी उनका डॉग जंगल की तरफ ही देख रहा था। ओवन उसे बुलाता है, मगर वो भागकर जंगल की तरफ जाने लगता है। ओवन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो जंगल में भाग जाता है और ओवन जंगल के पास लगी फेंस की वजह से रुक जाता है। अब वो अपने डॉग के जाने से काफी दुखी होता है। वो हर वक्त घर से बाहर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। वो जेस से कहता है कि उस डॉग को ढूंढ कर ले आए, मगर जेस उसे कहती है कि वो खुद ही वापस आ जाएगा। इसके बाद अगली सुबह जब डॉग वापस नहीं आता, तो ओवन खुद उसे ढूंढने निकल जाता है। वो हर जगह ढूंढता है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ जब जेस को पता चलता है कि ओवन डॉग को ढूंढने गया है, तो वो फौरन ओवन के पीछे जाती है और उसे ओवन मिल जाता है। वो उस पर गुस्सा करती है और समझाती है कि वो खुद आ जाएगा, तुम उसे ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे। फिर वो उसे लेकर घर आती है। इसके बाद रात में ओवन को अपना डॉग घर के बाहर नजर आता है। वो फौरन सबको बताकर बाहर आ जाता है। जेस और टाइलर भी बाहर आ जाती हैं, मगर वो डॉग पहले जैसा नहीं रहा था। वो काफी डरावना लग रहा था। वो लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और यहाँ डॉग ओवन पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। यहाँ जेस कोई चीज डॉग को मार कर ओवन से दूर करती है, मगर ओवन काफी जख्मी हो गया था। जेस उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। ओवन की हालत काफी खराब थी। थोड़ी देर में पैट्रिक भी वहाँ पहुँच जाता है और वो ओवन की हालत का ब्लेम जेस पर करता है। वो जेस पर बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद ओवन की हालत कुछ ठीक होती है। जेस उसे खाना खिलाती है, मगर उसे वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लोग यही समझते हैं कि तबीयत खराब होने की वजह से उसे ऐसा हो रहा है। इसके बाद ओवन की हालत अचानक से खराब हो जाती है। उसकी बॉडी कांप रही होती है। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओवन को हुआ क्या है, क्योंकि ओवन के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। जेस अपने बेटे की हालत देखकर काफी घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ओवन को होश आता है, तो यहाँ जो खून उसे लगा हुआ था वो उसे पीने लगता है। जेस उसे खून पीते हुए देख लेती है। वो फौरन उसे रोकती है और परेशान हो जाती है कि ओवन ऐसे कैसे खून पी सकता है, और वो ये बात किसी को नहीं बताती। मगर खून ना पीने की वजह से ओवन की हालत काफी खराब होने लगती है। मजबूरन जेस उसे खून पिलाती है और ऐसा वो बार बार करती है, जिससे ओवन ठीक होने लगता है। जेस हॉस्पिटल से खून चुरा रही होती है। जेस इस चीज को लेकर बहुत परेशान होती है कि आखिर उसके बेटे को क्या हो गया है। इसके बाद ओवन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। जेस उसे वापस घर लेकर आती है और साथ ही हॉस्पिटल से काफी सारी खून की बोतलें भी। अब वो घर में सिर्फ खून ही पीता था। उसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर अब उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो एक दिन खून की बोतलों को एक साथ ही पी जाता है। ये देखकर जेस काफी घबरा जाती है। फिर वो हॉस्पिटल से खून लेने की कोशिश करती है, मगर खून चोरी होने की वजह से एक ब्लड बैंक की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है और अब कुछ डॉक्टर्स ही ब्लड बैंक के अंदर जा सकते थे।
ये जानकर जेस बहुत परेशान हो जाती है कि अब वो खून कहाँ से हासिल करेगी। तो अब वो एनिमल स्टोर से कुछ जानवरों को लेकर आती है और बेसमेंट में उन्हें मारकर उनका खून ओवन को पीने के लिए देती है, मगर जानवरों का खून ओवन को सूट नहीं करता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो अब अपने बेटे को बचाने के लिए जेस अपना खून निकालकर ओवन को अपना खून पिलाने लगती है। जैसे सबसे काफी घबरा जाती है, मगर अपने बेटे के लिए वो अपना खून निकालकर उसे पिलाती थी। अब दिन गुजरने के साथ साथ जेस की अपनी हालत खराब होने लगती है, वो काफी कमजोर हो जाती है और अब वो अपना खून नहीं निकाल सकती थी। इस बात को लेकर जेस काफी परेशान होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि हेलेन ने सुसाइड करने की कोशिश की है, मगर उसे डॉक्टर्स बचा लेते हैं। अब यहाँ जेस सोचती है कि वो हेलेन का खून निकालेगी। वो कई बार कोशिश करती है, मगर हॉस्पिटल में ये काम इतना आसान नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलेन बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। तो जेस उसे घर छोड़ने का कहती है। हेलेन मान जाती है और जेस के साथ जाने लगती है और जेस उसे बेहोश करके अपने घर के बेसमेंट में ले आती है और उसे बांध कर उसका खून निकालने लगती है। हेलेन के होश आने पर जेस उसे ऐसा करने के लिए माफी मांगती है। इसके बाद जेस कोशिश करती है कि वो ओवन के साथ ही रहे और वो उसे स्कूल भी नहीं भेजती थी। टायलर को जेस का बिहेवियर काफी अजीब लगता है और वो बेसमेंट के गेट पर ताला देखकर भी हैरान थी। एक दिन जेस जब घर पर नहीं थी तो बाहर वाली विंडो से बेसमेंट के अंदर चली जाती है और वो हेलेन को देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे आजाद करने लगती है, मगर तभी जेस वहाँ आ जाती है और अब जेस टायलर को भी सारी सिचुएशन बता देती है। ये सब जानकर टायलर भी ओवन के लिए काफी परेशान हो जाती है और वो जेस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक दिन जब जेस हेलेन का खून निकालने आती है तो हेलेन उससे कहती है कि उसे खोल दे, वो खून देने के लिए तैयार है। जेस उसकी बात मान जाती है, मगर जैसे ही हेलेन आजाद होती है वो जेस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेस उसे फिर से बेहोश करके बांध देती है। और उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले हेलेन को ही ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें जेस पर कोई शक नहीं होता। इसके बाद टायलर और ओवन को जेस उनके फादर के घर छोड़ने जा रही थी तो वो टायलर को ओवन का ख्याल रखने का कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टायलर और ओवन अपने डैड और उसकी दूसरी वाइफ और बेटे के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से पैट्रिक की दूसरी वाइफ को चोट लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है। उसे देखकर ओवन को खून की प्यास लगती है, मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। ये सब टायलर भी देख रही थी और वो सबसे छुप कर उसे खून पिलाती है। दूसरी तरफ हेलेन किसी तरह खुद को आजाद करवा के वहाँ से जंगल में निकल जाती है। तभी वहाँ जेस बच्चों को वापस घर लेकर आती है। अब उन्हें पता चल जाता है कि हेलेन भाग गई है। ओवन जंगल में उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागता है। हेलेन भागते हुए फेंस से टकरा जाती है और उसका गला कट जाता है। ओवन भी वहाँ पहुँच जाता है और वहीं उसका खून पीने लगता है। तभी जेस भी वहाँ पहुँच जाती है और ये सीन देखकर वो भी डर जाती है। उसे पता चल जाता है कि अब ओवन उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और हेलेन भी मर चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक कुछ ऑफिसर को लेकर जेस के घर आ जाता है, क्योंकि जेस ओवन को स्कूल नहीं भेज रही थी। तब गवर्नमेंट ने बच्चों की कस्टडी वापस उनके डैड पैट्रिक को दे दी थी। पैट्रिक दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है और जेस कुछ नहीं कर पाती। वो ओवन के लिए परेशान होती है। अब ओवन अपने डैड के घर खून पीने के लिए बेचैन हो रहा था। वो अपने छोटे स्टेप ब्रदर की तरफ जाता है और काफी खतरनाक लग रहा था, मगर इससे पहले कि वो उस बच्चे का खून पीता, टायलर उसे वहाँ से ले जाती है। फिर वो ओवन को उसी लेक के पास लेकर आती है। वो कहती है कि वो लोग उस पेड़ को जला देंगे, क्योंकि एक दिन वो उस पेड़ के पास जाती है तो उसे उसके अंदर से कुछ अजीब चीज नजर आती है। उसने जेस को भी बताने की कोशिश की थी, इसलिए अब वो उस पेड़ को जलाने वाली थी ताकि वो अपने भाई को बचा सके। मगर पेड़ को जलाने का सुनते ही ओवन उस पर हमला कर देता है। किसी तरह टायलर खुद को बचा कर वहाँ से भागती है। ओवन यहाँ काफी खौफनाक लग रहा था। दूसरी तरफ पैट्रिक बच्चों को ढूंढते हुए जेस के पास आ जाते हैं, मगर बच्चे वहाँ भी नहीं थे। अब जेस भी बच्चों को लेकर काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन टायलर उसे पेड़ के बारे में बता रही थी, तो वो समझ जाती है कि वो लोग वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ वो दोनों भी उस लेक तक पहुँच जाते हैं और वहाँ ओवन टायलर का खून पीने की कोशिश कर रहा था। तभी जेस वहाँ पहुँच जाती है और वो टायलर को बचा लेती है। ओवन अब जेस पर भी हमला करने लगता है। वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर था। अब वो पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था। यहाँ जेस उसे मिट्टी के अंदर दबाने लगती है और आखिरकार वो उसे मिट्टी में दबाकर मार डालती है। वो बहुत रोती है, मगर वो यहाँ जानती थी कि अब उसका बेटा नॉर्मल नहीं था, वो सबके लिए खतरा बन चुका था। फिर जेस टायलर को संभालती है और वो दोनों मिलकर ओवन की मौत को एक्सीडेंट साबित कर देते हैं। मगर अब इस हादसे की वजह से उसकी बेटी की कस्टडी भी उससे ले ली जाती है
और लास्ट में जेस उस पेड़ को जला देती है और अब वो एक डॉग के साथ अकेली रहती थी। यहाँ लास्ट में वो डॉग भी जंगल को वैसे ही देख रहा था जैसे ओवन का डॉग देखता था, और इसके साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।